एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अधीरा और आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी से टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जिस अमेजिंग प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी वो है ये मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब, जो कि ओरिफ्लेम से है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसमें हनी है, शुगर है, जो कि हमारी स्किन से टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। सो गाइज, ये मतलब वन टाइम यूज के बाद ही बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें दे देता है। मतलब टैनिंग ये बिल्कुल क्लियर कर देता है। एज यू ऑल नो गाइज, समर्स चल रही हैं तो हमारी स्किन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कईयों की स्किन ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, मेच्योर, सेंसिटिव, ऐसी स्किन टाइप्स होती हैं। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन टाइप होती है उन्हें तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है। तो क्या होता है, हमें सन बर्न हो जाता है, टैनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी मतलब फोरहेड का कॉम्प्लेक्शन कुछ और होता है, चीक्स का कॉम्प्लेक्शन कुछ और होता है, नेक का कुछ और, मतलब पूरी बॉडी का अलग कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो हमें उसे रिमूव करना है जल्द से जल्द, तो हमें इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे इससे अपनी टैनिंग को रिमूव करना है। अगर मैं इसके ग्रैनुअल्स की बात करूं तो जो इसके ग्रैनुअल्स हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, मतलब इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि हर स्किन टाइप पे सूटेबल है। नहीं तो क्या होता है, कहीं हम जैसे स्क्रबिंग करते हैं तो स्क्रब में जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा हार्श ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकते हैं, और ऑयली स्किन पे या पिंपल वाली स्किन पे तो वैसे भी कहा जाता है कि आप स्क्रब का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन आप इसको पिंपल्स वाली स्किन पर भी जेंटली स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और कोई भी हार्म आपको नहीं होगा। तो आप आराम से इसको स्क्रब कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसको बहुत ही ज्यादा जेंटली यूज करें। ये क्या करता है गाइस कि आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव कर देता है और आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर आता है। आप इसे डेली यूज कर सकते हो। फेस पर आप इसे वीक में एक बार कीजिए और अपनी पूरी बॉडी पे आप नहाते हुए इसे यूज कर सकते हो। डेली पूरी बॉडी पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे फेस के अलावा भी हमारी पूरी बॉडी पे भी टैनिंग हो जाती है। तो आप इसे नहाते हुए भी डेली यूज कर सकते हो। एंड मोर ओवर गाइज, आप इसे किसी को भी यूज करवा सकते हो, बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है उनकी स्किन के लिए। जैसे बच्चे घूमने जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो आप बच्चों को खेलने से रोक नहीं सकते, लेकिन समर्स में आपको पता है बहुत ज्यादा मतलब धूप होती है तो बच्चों की स्किन ब्लैक हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। नेक अगर आप देखोगे तो नेक बिल्कुल ब्लैक होती है, उनकी नीज देखोगे बहुत ज्यादा ब्लैक हुई होती है। तो आप इसको वहां भी यूज कर सकते हो और डेली रेगुलर यूजेस के बाद वहां पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो स्किन है वो लाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो ब्लैकनेस वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो प्रोडक्ट है ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है मिल्क, हनी और शुगर का एक्सट्रैक्ट। सो मतलब ये जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और ये हमारी जो बॉडी है, स्किन है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें स्क्रब से मिलने वाला है। मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं ना तो इसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। तो गाइस अब कर लेते हैं इसका डेमो। यू कैन सी, इसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा लूंगी, पहले मैं अपने फेस पर डेमो करके दिखाऊंगी तरीके का है। इसके ग्रैनुल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे आप देख सकते हो कैमरे में भी प्रॉपर शो हो रहा है। अगर हार्श ग्रैनुल्स होते तो आपको साफ साफ दिखाई भी देता गाइस, लेकिन नहीं है। और अब इसको मैं लगाऊंगी अपने फेस पर। तो अब इसे हम जेंटली अपनी फिंगर टिप्स का यूज करेंगे, हमें पूरा हैंड से नहीं करना है। Only use your fingertips properly. अब हमें वाटर टच की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहां पर मैं यूज कर रही हूँ ओरिफ्लेम का ही रोज वाटर। गाइस ये है ओरिफ्लेम का लव नेचर का रोज वाटर। तो मैं इसे ही स्प्रे कर लूंगी अपने फेस पर अच्छे से, और अब मैं इसे स्क्रब करना स्टार्ट करूंगी।
इज हमें स्क्रब 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 3 मिनट्स मोर देन इनफ होता है और बिल्कुल जेंटली करना है, टेक योर टाइम, धीरे धीरे करिए, ये ना हो अब ज्यादा रगड़ने के चक्कर में अपना फेस ही खराब करके बैठ जाओ, बिल्कुल आराम आराम से करो। तो अब मैं इसे वॉश कर लूंगी नॉर्मल वाटर से। एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, जब भी आप स्क्रबिंग करते हो उसके बाद टोनिंग करना और मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे स्क्रब से पोर्स ओपन हो जाते हैं, टोनिंग करने से हमारे पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं ताकि उसके अंदर फिर हमारी जो डर्ट है वो नहीं जाती है। तो टोनिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी टोनर ले सकते हो, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसके बाद किसी भी मॉइस्चराइजर से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर। अब बात हो जाए थोड़ी लेडीज या गर्ल्स के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं हमारे अंडरआर्म्स ब्लैक हो जाते हैं या काफी टाइम से आपके ब्लैक चलते आ रहे हैं या अभी आपके ब्लैक होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इस स्क्रब को अपने अंडरआर्म्स पर भी यूज कर सकते हो, आप इसे डेली भी यूज कर सकते हो, आप डेली इसे 2 बार भी कर सकते हो सुबह और शाम को। रेगुलर यूजेस के बाद विद इन अ वीक आप देखोगे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है और जो आपके आर्मपिट जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, वो धीरे धीरे लाइटन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एंड गाइज मोस्टली बॉयज थिंक्स कि मतलब ये वीडियोज जो है मतलब ओनली फॉर गर्ल्स होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अकेली लड़कियों को ही टैनिंग नहीं होती है या अकेली लड़कियों को इन सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, बॉयज को भी इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज बोथ के लिए वीडियो है और टैनिंग दोनों को होती है, तो आप भी बॉयज इसे यूज कर सकते हो, इसको यूज कीजिए और इसके अच्छे रिजल्ट लीजिए, अपने टैनिंग को बिल्कुल दूर कीजिए। सो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपके काम आएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप मेरे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले पा सके। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।